देखें भैया ये दबंग वीडियो और फिर बात करते हैं तफसील से। मैं स्टूपिड अगर तो सरकारी अस्पतालों में क्या आपने गरीब अवाम को मरने के लिए भेज दिया है? असा जा मानू न था देन कल ऐसा जी लाश खड़ीगा गरीब मानू जी मां मरी वने दूसरे गरीब लोग है वो सिंध के जाए नहीं है कि कहां गए किसके पेट में गए किसके अकाउंट्स में गए उसका सवाल पूछ रहे हैं। कराची खां कश्मोर ताई साबुन अलग केतरे करोड़ जनता साबुन विराए मानू के चरे अची कयो मानू 15 15 10 10 20 20 मानू अची साबुन 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 अरे हे साबुन छा छा मतलब साबुन दई ता छा आवाम के वो साबुन मिलियो भी के के असा त हके कका वनी पुछो से खबर पियो तहा जाई चेयरमैन और काउंसलर जे घरन में ढेर हुए साबुन प्यान जिनन उनन साबुन साला छा कयो काथे वनी पुगो। कराची की हॉस्पिटल्स की हालत ये है अभी हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने जो आदाद और शुमार बताए सर मैं तो सुनकर यकीन माने मेरा तो दिल चाह रहा था कि माशाल्लाह 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 हमारा सिंध तो क्या तरक्की करे कोरोना के हवाले से। अगर ऐसी बात है हेल्थ मिनिस्टर साहिबा तो मुझे जवाब दो अज जवाब दो तो अज अज तहां जो जो को ग्रैंड हेल्थ जो अलायंस आ अज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तहां जे मुंह ते एकड़ो एड़ो तमाचो आयो हुनन बाकायदा चयो त घणो थी वियो बहुत हो गया। 8 जून को हम टोकन स्ट्राइक करेंगे और 11 जून को हम बाकायदा पूरी सिंध की अस्पताल बंद कर देंगे। क्यों? अगर तो आपने इतनी जबरदस्त एक्टिविटी की है अगर तो आपने ये जो कुछ फाइल से आपने हमें आदाद और शुमार बताए अगर तो ये सच्चे है तो क्या वजह है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया कि हम टोकन वॉकआउट के बाद पूरी अस्पतालें बंद कर देंगे। वाय क्या फैसिलिटी नहीं दी आपने उनको? क्या वजह है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स को वो तमाम सहूलतें नहीं है पीपीईज नहीं है जो आप प्राइवेट अस्पतालों में? मुझे तो हैरानी इस बात की है अगर तो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो मुझे फरमा रही हैं स्टूपिड मैं स्टूपिड हूँ एक हेल्थ मिनिस्टर का ये अंदाज है कि ये फरमा रही हैं स्टूपिड ये बात तो रिकॉर्ड पर चली गई कि एक हेल्थ मिनिस्टर का क्या क्या लेवर है। चले जी आप फरमा रही है कि मैं हमारी सिंध में बड़ा जबरदस्त सिस्टम है सरकारी अस्पतालों का तो बताइए मुझे कि क्या वजह है कि सारे एमपीएस एमएनएस मिनिस्टर मुर्तजा बलोच साहब क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे मरहूम क्यों सर आप सर की प्राइवेट अस्पताल में बैठा हुआ है? क्या वजह है तो हमारे टेस्ट भी आगा खान यूनिवर्सिटी से कराए गए या उनकी लैब से कराए गए? अगर तो आपकी ये सारी जितनी भी आपने हमें गोरख धंधा बताया सच है तो फिर मुझे बताए कि सरकारी अस्पतालों में क्या आपने गरीब अवाम को मरने के लिए भेज दिया है? गरीब अवाम वहां जाती है उनको दाखला नहीं मिलता फोन आता है हमें सारे एमपीएस को फोन आता है दी असा जा मानू न था देन कल ऐसा जी लाश खड़ीगा वाह 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 तारीफ थी वजाया गरीब मानू जी मां मरी वने तो उन जी लाश खड़ी वनी पहाड़न मेले काथे दफनायो आ जे करे के अमीर को वजीर या को एमपी तो मरे तो उन जी हजारन जी तादाद में दफनान था वन उन जे मजवे में। रात कल मैंने यो वीडियो यहां पर रिकॉर्ड में रखी है मरहूम के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी मुर्तजा बलोच तो चले गए लेकिन उनके जनाजे में हजारों की तादाद में लोग थे तो क्या मुर्तजा बलोच सिंध का जाया था और जो दूसरे गरीब लोग हैं वो सिंध के जाए नहीं है उनके लिए आप उनके दफनाने के लिए आप उनको नहीं आने देते आप उनके रिश्तेदारों को उनकी शक्ल दिखाने नहीं देते क्यों ये दोहरा मयार क्यों? दूसरी बात मैं आपसे पूछती हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो आज रिकॉर्ड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर्स ने वो कहते हैं अगर सरकारी अस्पताल इस काबिल नहीं है तो आपने इंडस अस्पताल और आगा खान हॉस्पिटल को 5 अरब पता नहीं 2 अरब या 3 अरब जितना भी पैसा आपने उधर क्यों दिया? हमारे सरकारी अस्पताल पर आपको एतमाद नहीं था हमारे डॉक्टर्स को आप पर आपको एतमाद नहीं था कि आपने इंडस को ऑनबोर्ड लिया या आगा खान को ऑनबोर्ड लिया? अभी आपने अपनी तकरीर में कहा कि हमने आगा खान से ट्रेनिंग करवाई क्यों? आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है और खुदा जो वास्तो था वो 12 सालन का रूल था क्यों हिन हुकूमत ते 12 साल खां वठी तहां रूल था क्यों उन जे बावजूद तहां हिते हेल्थ जे हवाले सां मु जो टैलेंटेड वजीर आला ए उन जो टैलेंटेड मुशीर अतलात जेको खटी आयो आ अलै केतरा वोट खटी आयो आ प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वरी मीडिया थे डी देखारी बने यानी एप्पल फोन आईपैड एक्सेल पावर पॉइंट हिनन ते वेही ता प्रेजेंटेशन दई सिंध जी अवाम के ये तरक्की दींदो छा
जो कमरन में वही आईपैड पे कैलकुलेशन करे सिंध जी अवाम के सिंध में 5 साल अंदर 308 अरब खर्च थिया उन जे बावजूद अक्सर अस्पतालन में आईसीयू कोनन वेंटिलेटर कोनन टेस्टिंग मशीन कोने ये तमाम सहूलतू नापैद अक्सर अस्पतालन में एतरी बिस्तरन जी खोटा जो मानू बाहर हेठ जमीन ते वही पांजो इलाज था कराने तहां निजी अस्पतालन में इलाज था करायो वाह 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 हे वारन सालन में हिकड़ी सरकारी अस्पताल एड़ी न के पता नहीं यहां पे कब कोई नेक बंदा आएगा और सिंध पे बैठे घुमा करेगा। अभी 76 साल हो गए हमें कोई सिंध क्लियर लीडर नहीं मिला ना एम के एम ने कुछ किया ना पेड़ पार्टी ने कुछ किया। यहाँ पे सब आके बड़े बड़े नारे लगाते हैं 5 साल बाद वो भी 5 साल बाद आते हैं कि वो वोट लेना होता है ना तो जैसे जुलूस करके आवाम की बहुत फिक्र हो जाती है इनको 3-4 दिन के लिए फिर भूल जाते हैं 5 साल के लिए तो वहाँ भी पागल जो इनको 5 साल बाद 5 दिन के लिए सर पर बिठाती है फिर इनको वोट दे के इनको और भाई ये आवाम को जूती मारते हैं हाँ पैर मार के पड़े कर देते हैं तो सिंध का तो बड़ा गर्क कर दिया है पेड़ पार्टी ने। ये मैडम ठीक है थी बिल्कुल सिंध को कोई लीडर नहीं मिला आज तक तालीम देखें सिंध में ना तालीम है बिल्कुल स्कूल में तो भैंसे और गाय बांधी हुई है ना वहाँ पे सरकारी स्कूल बिल्कुल ख़त्म हो गए सरकारी स्कूल वहाँ पे है नहीं समझो जो है वहाँ पे मवेशी बांधे हुए हैं। तो देखिए अभी हैदराबाद कराची 2-3 बड़े शहर हैं जहाँ पे तालीम है कोई मेडिकल है छोटे मोटे शहर वहाँ पे तो पानी साफ पीने को नहीं मिलता वहाँ पे खुराक नहीं मिलती साफ क्वालिटी की वहाँ पे तो लोग गुजारा कर रहे हैं पता नहीं कैसे करें गुजारा तो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इनको चाहिए हुकूमत को अच्छी सिंध में आए पेड़ पार्टी से नहीं होता अगर तो छोड़ दें सिंध को क्यों चिमर के बैठिए अभी छोड़ दें सिंध को किसी नेक बंदे को नहीं दें जो मुल्क के लिए आवाम के लिए हमदर्द हो कोई अच्छा काम करे सिंध के लिए तो उनको चाहिए पीछे होकर बैठें कोई बंदा नहीं दें जो सिंध के लिए हमदर्दी रखता हो। अभी ये जाए बलोचिस्तान में बलोचिस्तान का पहले ब्यागरक हो गया तो अभी और कर लें अभी जाके सिंध को माफ़ कर दें तो ना देने कोई भी बंदा सिंध में अच्छा आएगा तब जाकर ला सही होंगे ना मेडिकल है ना तलीम है ना खाने मिलेंगे अच्छे क्वालिटी अच्छी है ना पानी साफ पीने को मिलते ना वहाँ पे रात है वहाँ पे तो हालात ही ख़राब हो गए यहाँ पे लगते बंदा पाकिस्तान से 12 अगस्त सिंध में जाओ तो इनको चाहिए सिंध को काफ़ी संभालने की ज़रूरत है क्योंकि सिंध में ज़रात हो सकती है और ज़रात बहुत अच्छे पैमाने जो पंजाब में हो रही है ऐसी सिंध में हो सकती है अगर चाहें तो अगर ये चाहें तो हो सके कर सकते हैं लेकिन वो चाहते नहीं है यहाँ पे तो आते हैं सब दिहाड़ी लगाने के लिए अपनी हाँ वहाँ आई और सुबह से शाम बैठे हाँ गाड़ियाँ मुफ्त की पेट्रोल मुफ्त का एसी पे बैठने मजा तनख्वाहें याशियाँ उनको तो अपनी बढ़िया वहाँ उनके टैक्स का पैसा वो तो मजा ना उनका पैसा लौट और खाओ पियो याशी करो तो ना दें वीडियो चलेगा तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और निशान गंडी दबंद करने वाली वीडियो कमेंट करके अल्लाह हाफिज़।